बिहार के खेरीडाह में पत्थर खदान से पत्थर उठाने को लेकर ड्राइवरों के दो गुट में हुई झड़प। खूब चला दोनों गुट से फैट और गुस्सा। खदान में हो रही है अंधाधुन अवैध हेवी ब्लास्टिंग। अनुमति से अधिक निकाला जा रहा है रोजाना पत्थर। पुलिस ने शुरू की जांच। कार्यक्रम को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में अधिकारियों के साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। जिले में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कई अन्य बिंदुओं पर की गई चर्चा। जमुआ के भंडारों में न्यायालय के आदेशानुसार जमीन की मापी करने गए अधिकारियों व पुलिस के साथ प्रतिवादियों द्वारा किया गया मारपीट व गाली गलौज। मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस लिया हिरासत में। पवित्र माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर सभी मस्जिदों में अदा की गई अलविदा जुम्मे की नमाज। नमाजियों की देखी गई भारी भीड़। भीड़ के कारण कई मस्जिदों के बाहर सड़कों पर अदा की गई नमाज। और रमजान की फजीलत को लेकर कारी गुलाम रिजवी साहब से न्यूज़लाइन के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद ने की खास बातचीत। आप भी सुनिए बातचीत के मुख्य अंश। अब खबरें विस्तार से। राजधनवार के खेड़ीडांव में पत्थर खदान में अंधाधुन अवैध हेवी ब्लास्टिंग हो रही है। इस दौरान पत्थर ढोने के लिए ड्राइवर दो गुट में मारपीट कर रहे हैं। इसी को लेकर घायल ड्राइवर ने धनवार थाना में आवेदन देकर मारपीट और रंगदारी करने और 22,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। राजधनवार के खेरीडांह में पत्थर खदान से पत्थर उठाने को लेकर ड्राइवरों के दो गुट में मारामारी हो गई। बताया गया कि यहां पत्थर खदान में अंधाधुन अवैध हेवी ब्लास्टिंग हो रही है, जहां पर अनुमति से अधिक पत्थर निकाला जा रहा है। इसके बाद पत्थर ढोने के लिए हाइवा ड्राइवर एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। हाइवा ड्राइवर भी दो गुट में बट गए हैं, जिसमें एक बसगी और दूसरा खेरीडांह गुट है। और दोनों गुट के ड्राइवर के बीच पत्थर ढुलाई में वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो रही है और जमकर मारपीट भी हुई। मारपीट में घायल ड्राइवर मोहम्मद ताजामुल अंसारी ने धनवार थाना में आवेदन देकर दूसरे पक्ष पर न सिर्फ मारपीट बल्कि रंगदारी करने और 22,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर कार्रवाई में जुट गई है। मेरा नाम ताजामुल अंसारी है, मैं हैबा का ड्राइवर हूँ। मैं गाड़ी जा रहा था लोड करने के लिए सुबह, और खरीदी में सब पत्थर उत्थल लगा दिए TWD रोड में, और उन लोग बोला उतरो। करने के बाद उन लोग दादागिरी करने लगा खरीदी में। हम बोले भाई खैर दादागिरी कीजिएगा, हम लोग का मालिक भेजा है हम लोग। बोला उतरो न, उतरे। उतरने के बाद उन लोग मारने लगा, लोहा से डंटा से मारने लगा सब। उसका नाम एक तो इसी नाम था से रौब का बेटा था, और मजहर था, और ये थी था 22,000 पैसा भी था। उन लोग छीन लिए, मोबाइल भी था, यही था। और सब लोग हम लोग को मारा भी है माथा में, यही दादा। अच्छा, तो आपके माथा में भी चोट आया है? हाँ, माथा में भी चोट आया है। अच्छा, तो आज का ये खरीदी वर्सेस बसगी का जो था घटना, खरीदी में आपका 22,000 था, मोबाइल भी छीन लिया, आप लोगों को मारा भी और दादागिरी भी किया। हाँ। और बोला कि इधर से कभी जाने भी नहीं देंगे, नहीं है ना? देंगे, ये भी बोलता है अभी भी। हाँ। जो इधर से आएगा तब फिर मारेंगे। अच्छा, झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का पार्थिव शरीर जैसे ही रांची से डुमरी अनुमंडल कार्यालय परिसर आया, वैसे ही अन्य पार्टी के नेता व कार्यकर्ता एवं समाज के वर्गों के लोगों ने दिवंगत लालचंद महतो को श्रद्धांजलि अर्पित किया एवं नम आंखों के साथ उन्हें विदा दी गई। झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का पार्थिव शरीर जैसे ही रांची से डुमरी अनुमंडल कार्यालय परिसर आया, लोगों की भीड़ पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। फूलों से सजी शव वाहन गाड़ी में दिवंगत लालचंद महतो के साथ उनके परिजन व शुभ चिंतक और मंत्री बेबी देवी के पुत्र अखिलेश महतो राजू मौजूद थे। उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं समाज के वर्गों के लोगों ने दिवंगत लालचंद महतो को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, भाजपा नेता प्रशांत जायसवाल,
झामुमो प्रखंड अध्यक्ष पुरैया मुखिया राजकुमार महतो, राजकुमार पांडे, बरकत अली, कैलाश चौधरी, डेगनारायण महतो, भाजपा नेता प्रदीप साहू, कामख्या गिरी, जदयू जिलाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, डुमरचंद महतो, बहुजन सदान मोर्चा के बैजनाथ महतो, झारखंड आंदोलनकारी राजकमल महतो, भाजपा नेता निर्मल महतो, अधिवक्ता अशोक कुमार जैन, छत्रधारी महतो, मुखिया जागेश्वर यादव, लालमणि साव, जगन्नाथ ठाकुर, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि डुमरी सह आजसू जिला प्रधान सचिव छक्कन महतो, आजसू पार्टी के डुमरी विधानसभा प्रभारी सह केंद्रीय महासचिव यशोदा देवी, शंभुनाथ महतो, क्षितिज हॉस्पिटल के निदेशक अशोक कुमार आजसू, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष रामाकांत गोविंद, सेवा भारती के उत्तरी छोटा नागपुर प्रभारी नीलकंठ महतो, हिंद मजदूर किसान यूनियन के अनुमंडल अध्यक्ष गंगाधर महतो, कर्मचंद महतो, रविंद्र महतो आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। स्विम एक्टिविटी के तहत डीसी ऑफिस सभागार में सभी बीपीओ, बीआरपी और सीआरपी के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान सभी को मतदान के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। डीसी ऑफिस सभागार में स्वीप एक्टिविटी के तहत सभी बीपीओ, बीआरपी और सीआरपी के साथ बैठक की गई। इस दौरान लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने, नैतिक मतदान एवं निर्वाचन संबंधी जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के बारे में चर्चा की गई। साथ ही सभी संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथु महतो ने सभी कैंपस अम्बेसडर को निर्वाचन प्रणाली, मतदान के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा सभी से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया। साथ ही सभी कैंपस अम्बेसडर को मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देश पर यह बैठक करवाई गयी। रमजान के आखिरी जुम्मे पर शुक्रवार को स्टेशन रोड समेत कई मस्जिदों में अकीदत एहतराम के साथ अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान मस्जिद में भीड़ अत्यधिक हो जाने की वजह से नमाजियों ने मस्जिद के बाहर सड़क पर भी नमाज अदा की। वहीं पुलिस जवान यातायात की व्यवस्था दुरुस्त रखने में लगे हुए थे। पवित्र माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर अलविदा जुम्मे की नमाज शुक्रवार को स्टेशन रोड समेत कई मस्जिदों में अकीदत एहतराम के साथ अदा की गई। इस दौरान शहर के स्टेशन रोड स्थित लाइन मस्जिद, भंडारी स्थित जामा मस्जिद, मोहनपुर मस्जिद, पचम्बा विशनपुर बड़ा चौक, बरवाड़ी, तेलोडी समेत आसपास के सभी मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। मस्जिदों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण लाइन मस्जिद और जामा मस्जिद के बाहर नमाजियों ने बाहर सड़क पर भी नमाज अदा की। अंतिम जुम्मे की नमाज को लेकर गिरिडीह पुलिस भी अलर्ट थी। शहर में नगर थाना शैलेश प्रसाद, पचम्बा थाना नरेश यादव, मुफस्सिल थाना श्याम किशोर महतो, पचम्बा अंचल निरीक्षक मंटू कुमार, एसआई विनय कुमार पुलिस जवानों के साथ पेट्रोलिंग करते दिखे। वहीं यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने में लगे हुए थे। 25 दिनों से रोजा चल रहा है, आज अलविदा जुम्मा है, कैसा रहा इस साल का? इस साल तो अल्लाह फजल करम से बहुत अच्छा रोजा हम लोग इकट्ठा है और आज उम्मीदुल अलविदा गौसुल ऑनलाइन मस्जिद में हम लोग सब नमाज अदा किए गए और इंशाअल्लाह ताला बरोज जुमरात ईद की नमाज अदा की जाएगी। सुरेंद्र बाइट ले लेना, स्पेशल प्लेयर का बाइट ले लेना। आज अलविदा जुमा की नमाज हुई है और खुसूसी दुआ भी किया गया है कि दुनिया में तमाम युद्धग्रस्त क्षेत्र हो वो भी और जहां युद्ध नहीं हो वहां भी बच्चे एक शाम भी भूखा ना रहे, अशिक्षित ना रहे, दुनिया का तमाम बच्चा भूख से दूर रहे, शिक्षा के नज़दीक रहे और देश की सुरक्षित समृद्धि के लिए दुआ किया गया है। देश में भाईचारा बना रहे, दुनिया का तमाम बीमारी ज़्यादा लोगों के लिए दुआ किया गया। श्याम दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली दोष से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है।
जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर वन सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें, अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोलडीहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से प्लस 2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ। स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को परांगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोलडीहा, गिरिडीह। 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान। हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ प्लस 2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र
2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हाँ, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर CCL DAV पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, CCL DAV के प्ले HOD नरेश यादव और CCL DAV के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें, 2024-25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955659973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमा के भंडारो गांव में जमीन मापी करने आए अधिकारियों व पुलिस के साथ प्रतिवादियों द्वारा मारपीट व गाली गलौज किया गया। इसके बाद मारपीट करने वालों के ऊपर लिखित आवेदन दिया गया। वहीं हिरोडी थाना पुलिस ने एक टीम गठित कर पदाधिकारी व पुलिस कर्मियों साथ मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और अन्य के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जमुआ के भंडारो गांव में शुक्रवार को न्यायालय के आदेशानुसार जमीन की मापी करने गए अधिकारियों व पुलिस के साथ प्रतिवादियों द्वारा मारपीट व गाली गलौज किया गया। इस संबंध में अधिकारी द्वारा हिरोडी पुलिस को लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें गांव के ही 9 लोगों को नामजद व 10 से 15 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है। वही आवेदन मिलते ही हिरोडी पुलिस एक टीम गठित कर संबंधित पदाधिकारी के साथ मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। वही अन्य सम्मिलित आरोपियों के विरुद्ध अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुमारी निकिता सिविल जज वरीय कोटी प्रथम गिरिडीह के पत्राक संख्या 166/24 के आलोक में बंटवारा बाद संख्या 187/16 को लेकर भूमि मापी के लिए अधिवक्ता आयुक्त अमर कुमार के साथ अन्य सहयोगियों के अलावा पुलिस बल को भी नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उक्त लोग हिरोडी थाना क्षेत्र के भंडारो गांव पहुंचे और उक्त जमीन की मापी की जाने लगी। इस दौरान प्रतिवादी द्वारा इसका विरोध व बहस किए जाने लगा। यह बहसबाजी मारपीट में तब्दील हो गई और अचानक अधिकारियों पर हमला कर दिया गया। तभी मापी कराने के लिए पहुंचे लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मारपीट मामले में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों की पहचान अमर कुमार, पुलिस आरक्षी पवन कुमार बागमार, मोहन सिन्हा और एक अन्य के रूप में किया गया है। इधर हिरोडी को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि न्यायालय के आदेशानुसार जमीन मापी के लिए पहुंचे थे। इस दौरान प्रतिवादियों के पक्ष द्वारा अचानक उक्त टीम लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सीतो राणा, बालगोविंद राणा, राधे मिस्त्री, महेंद्र राणा, पंकज राणा, जागी राणा, सीतो राणा की पत्नी, बालगोविंद राणा की पत्नी व राधे मिस्त्री की पत्नी को नामजद सहित 10 से 15 अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट, गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। इस बाबत हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि आवेदन मिलते ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि थाना क्षेत्र के भंडारो गांव निवासी जागी राणा के रूप में किया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जाएगा। लुकाई नयनपुर के निवासी गुलू हांसदा और उसकी पत्नी बाइक से अपने ससुराल से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से गुलू हांसदा की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी घायल हो गई। लोकाय नयनपुर के खेतको निवासी गोलू हांसदा की मौत तीसरी के गुमगी के पास सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतक की पत्नी भी घटना में घायल हुई, जिसे सदर अस्पताल में इलाज के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि गोलू हांसदा अपनी पत्नी सरिता मरांडी को अपने ससुराल से बाइक पर लेकर अपने घर जा रहा था। इसी बीच तीसरी गुमगी के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से गोलू हांसदा की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं मृतक की पत्नी घायल हो गई। घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।
जहां से इन्हें तुरंत बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक शव का पोस्टमार्टम यहां करवाया गया। कहां घर है? तो थाना, थाना लोकायन पे। क्या हुआ था? बैक साइड। कहां पर? उधर खिड़की में। कहां जा रहे थे? नरपुरा जा रहे थे, ससुरा। अच्छा, कब हुआ ये? कल शाम को, रात में हुआ। कितने बजे हुआ तो नहीं पता। कौन गाड़ी मारा पता चला? नहीं, नहीं पता चला। आपका कौन है? मैं ससुरा। ससुरा भाग। क्या नाम है आपका? सुनील। बिजली विभाग घोरंडीहा सब स्टेशन में कार्यरत एक कर्मचारी की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और शव का भी साथ ले गए। बिजली विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि थर्मल बोकारो जिला निवासी सियाराम सिंह बिजली विभाग घोरंडीहा सब स्टेशन में कार्यरत थे। गुरुवार रात अचानक बेहोश हो गए। हालांकि जैसे ही इनकी तबीयत बिगड़ी, फौरन अन्य कर्मचारियों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई। इसके बाद परिजन मौके पर आकर शव को अपने साथ ले गए। शुक्रवार को गांडे के विभिन्न क्षेत्र के मस्जिदों में सुबह से ही अलविदा जुम्मे को लेकर काफी चहल पहल देखी जा रही थी, जहां नमाजियों ने बड़े ही एहतराम के साथ अलविदा जुम्मा की नमाज पढ़ी गई और मुल्क की अमन चैन को लेकर दुआ की। गांडे मुख्यालय और प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों में शुक्रवार को अलविदा जुम्मा की नमाज पढ़ने को लेकर नमाजियों की हुजूम उमड़ पड़ी। इस क्रम में विभिन्न मुस्लिम इलाकों में सुबह से ही अलविदा जुम्मा को लेकर काफी चहल पहल देखी जा रही थी। इस क्रम में गांडे के महजूरी गांव अंजुमन कमेटी अंतर्गत स्थित मस्जिद में भी रमजान की इस आखिरी जुम्मे यानी कि अलविदा जुम्मा की नमाज बड़े ही एहतराम के साथ पढ़ी गई। इस दौरान बाहर से आए मौलाना ने अपनी तकरीर में इस्लाम के इस मुकद्दस महीने रमजान पाक व इस महीने के अंतिम जुम्मा अलविदा जुम्मा की फजीलत को, इसके मर्तबा को लेकर तकरीर किया। वहीं इस पाक महीने में जकात व फितरा निकालने का महत्व को भी बताया। वहीं मस्जिद के इमाम नजरुल हक ने रमजान व रोजा की फजीलत को समझाया। बताया कि रमजान जो सभी महीनों में खास है, क्योंकि यह रहमत व बरकत साथ लाता है। इस महीने का रोजा और इबादत इंसान को पवित्र बना देता है। बताया गया कि इस मुबारक महीना रमजान का 30 रोजा रखकर इंसान रूहानी ताकतों से रूबरू होता है। वहीं हाफिज नजरुल हक के पीछे सभी ने सामुदायिक रूप से 2 रकात फर्ज नमाज रमजान की इस अलविदा जुम्मा को भी पढ़ी और सबों ने एक साथ हाथ उठाकर अपने आखिरत की हाफियत व मुल्क की अमन चैन को लेकर दुआ किया। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिस्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर मोती ज्वेलर्स के सामने कोर्ट रोड टावर चौक के निकट गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाड़े स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है।
इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाड़ी गिरिडीह, गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर अफताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7003864561 9955 1525। गांडे गिरिडीह मुख्य मार्ग पर महस मुंडा कन्या विद्यालय के पास शुक्रवार को 2 पिकअप वैन में टक्कर हो गई। हालांकि घटना में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि रोड पर बने ब्रेकर के पास अचानक ब्रेक लगाने के कारण गिरिडीह की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे एक पिकअप वैन ने दूसरे वैन में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पीछे वाला पिकअप वैन का आगे का पोर्शन क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि आगे चल रहे पिकअप वैन चालक वैन लेकर मौके से फरार हो गया। बताया गया कि इस हादसा में कोई जन हानि नहीं हुई। वहीं क्षतिग्रस्त पिकअप वैन को दूसरे किसी अन्य पिकअप से टोचन कर ले जाया गया। चक्का रोलिंग कर गया, चक्का थोड़ा प्लेन है इसलिए ब्रेक मारे, शटल ब्रेक कसर के लग गया गाड़ी के पीछे, दूसरा गाड़ी में लग गया। तो स्पीड में होंगे तभी नहीं 40-45 का स्पीड में थे, ज्यादा स्पीड में रहते कांच उठता फूट जाता। बेंगाबाद के जिलिंगताड़ गांव में शुक्रवार को पुरन टुड्डू के 6 वर्षीय पुत्र देवाशीष टुड्डू ने खेल खेल में एक सिक्का निगल लिया। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने सिक्के को बाहर निकाला। बताया गया कि सिक्का गले में फंस जाने से 6 वर्षीय बालक की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में परिजन बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहाँ बच्चे की स्थिति गंभीर होने के कारण विभिन्न अस्पतालों से उसे रेफर कर दिया गया। तब तड़पते बच्चे को लेकर परिजन बेंगाबाद के पोद्दार क्लिनिक पहुंचे, जहां डॉक्टर आकांक्षा पोद्दार और डॉक्टर राजेश पोद्दार ने संयुक्त रूप से बिना ऑपरेशन के ही बालक के गले में फंसे सिक्का को बाहर निकालकर बालक को दम घुटने से बचा लिया। गले में फंसा सिक्का आखिरकार बाहर निकला तो बच्चे के परिवार ने भी राहत की सांस ली और बच्चा भी खुद को सामान्य महसूस करने लगा। रमजान माह में इबादतों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रोजा रखने वालों पर अल्लाह की रहमत बरसती है, इसलिए सभी मुसलमानों को रमजान का एहतराम करना चाहिए। ये बातें कारी गुलाम मुरसलीन रजवी साहब ने कही। माह रमजान की फजीलत को लेकर न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद ने इनसे की खास बातचीत। आप भी सुनिए बातचीत के मुख्य अंश।
रमजान के मौके पर आज हमारे साथ न्यूज लाइन में है कारी गुलाम मुरसलीन साहब, जो हम लोगों को बताएंगे रमजान क्या है, जकात क्या है, इसके बारे में रोशनी डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूज लाइन में मौलाना मुरसलीन साहब का स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि आप न्यूज लाइन के मातहत जो बातें पहुंचे आप तक और अच्छा लगे तो आप जरूर इसे आगे बढ़ाएं और सवाब दारिम के मुस्तहिक बने। तो सबसे पहला सवाल है आपके आपके साथ मेरा कि रमजान की फजीलत कुरान की रोशनी में आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का वो महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। एक आयत करीमा है सूरह बकरा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पहली आयत जो मैंने पढ़ी, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है रमजान का वो महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। और जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसे अगले वालों पे फर्ज किए गए थे। रमजान शरीफ का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया और कुरान पाक दुनिया आखिरत में सबसे मजबूत और मुस्तहकम किताब है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुकद्दस किताब रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह ने नाजिल फरमाई और हमारा इस पर ईमान है। कुरान पाक की ये आयत करीमा बबांगे दोहल हमें ऐलान करके बता रही है कि रमज़ान शरीफ का वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और रमज़ान का मतलब होता है जलना, और इसी महीने में हम रोज़े रखते हैं, और रोज़े रखते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं, हम खाली पेट भी रहते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए रहते हैं, हमारे मुंह से जो बू भी निकलती है बदबू वो भी अल्लाह के नज़दीक मुश्क अंबर से भी ज़्यादा बेहतर है। ये सिर्फ इसलिए है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब काम करें। दूसरा सवाल है मौलाना साहब आपसे कि रोजेदार की अहमियत और उसकी फजीलत क्या है। रोजेदार ये अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजेदार अपने रब पे इतना भरोसा रखता है कि दिन के उजाले में, कड़ाके चिलचिलाती धूप में और मुसीबत के आलम में भी, भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत में भी, तन्हाई के आलम में भी अगर होता है, प्यास भी लगी होती है फिर भी वो पीता नहीं, भूख भी लगी होती है फिर भी वो खाता नहीं, खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद भी अल्लाह पे ऐसा भरोसा रखता है कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। इससे ये पता चलता है कि दुनिया के सारे गुनाह इंसान करता है और डरता भी है मगर वो कर देता है, लेकिन जब रोजे की बारी आती है तो कोई देखे या ना देखे अल्लाह देखता है, ये बड़ा भरोसा होता है। और रोजेदार को अफ्तार के वक्त बेपनाह खुशी होती है, और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह इसका अज्र खुद रोजेदारों को अता फरमाएगा। रोजेदार अल्लाह का मेहमान होता है, इनकी दुआएं कबूल होती है और ये अल्लाह की रजा के लिए काम करता है। अच्छा आप बताएं कि जकात किन लोगों को देना चाहिए और जकात क्या है। जकात तौहीद के बाद अल्लाह और उसके रसूल को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह को एक और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानने के बाद, इस्लाम में जो चार रुकन है, अव्वल नमाज है हम उसे अदा करते हैं, और फिर रमजान शरीफ के रोजे हैं हम उसे भी अदा करते हैं, फिर हज है अल्लाह ने जिस तौफीक बख्शी है वो अदा करते हैं, फिर चौथे नंबर के हैं वो है ज़कात। अल्लाह ने सबके लिए ज़कात नहीं रखी है। ज़कात वो लोग देते हैं जो मालिक निसाब होते हैं, मसलन 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी या उसके मिकदार उनके पास रुपये हो, वो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात के बहुत मसाइल हैं, ज़कात हर कोई अदा नहीं करता, अल्लाह ने जिसे दौलत दी वो अदा करते हैं। और ज़कात सोने पे
चांदी पे और नकदी पे और माल तिजारत यानी चार चीजों पे जकात वाजिब है। जैसे आपके पास सोना है तो आप उसकी कीमत का अंदाजा लगाइए, 50,000 को सोना है, 50,000 की चांदी है तो आपका 1,00,000 हो गया। आपकी नकदी आपके जेब में कितना है, आपके अकाउंट में कितना है, बैलेंस कितने हैं, वो सारा आप इकट्ठा कीजिए। और जो माली तिजारत है, मसलन आपकी दुकान में 10,00,000 का माल है, तो 10,00,000 का माल है तो वो 10,00,000 पूरा आप नहीं जोड़ेंगे, 10,00,000 में अगर आपका 6,00,000, 4,00,000, 2,00,000 कर्ज है, जो कर्ज है आप उसे बात कर देंगे। और जो कर्ज के बाद जो माल बचते हैं दुकान में, वो पैसे नकदी पैसे, सोने के पैसे, चांदी के पैसे यकजा इकट्ठा करेंगे, उसमें जो रकम आएगी 10,00,000, 5,00,000, 6,00,000 उसकी जकात है। मसलन 100 रुपये में 2,50 रुपये, 1,000 में 25 रुपये और 4,000 में 100 रुपये। और ये जकात की रकम सबसे पहले कोशिश हो कि मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार और मेरा करीबी रिश्तेदार, चचा जात भाई, फूफा, नाना, नानी, दादी, इस तरह के जो करीबी हैं आप उन्हें जकात दीजिए। और उसके बाद आप मदारिस दीनिया में जकात खर्च कीजिए। एक मर्तबा का वाकया है, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से जकात के ताल्लुक से और उनके फजाइल बयान कर रहे थे, तो एक यहूदी गौर से सुन रहा था कि जो जकात के माल को सही तरीके से निकालता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। वो यहूदी माल तिजारत के लिए कहीं अपने माल को भेजा था और उसे पूरा उम्मीद थी कि मैं ऐसी जगह पे अपना माल भेजा हूँ और दुश्मन हमारे माल को लूट लेगा, तो क्यों ना हो हम अच्छा सौदा कर लें, जकात हम निकाल दें ताकि हमारा माल हिफाजत से रहे। उन्होंने सारे माल को इकट्ठा किया और उससे जकात की रकम तुमने निकाल दी। अब लोगों ने उससे पूछा कि क्या तुम यहूदी से मुसलमान हो गए, तो कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं हो गया, लेकिन मुसलमानों के नबी ने कहा कि जकात निकालने से माल बच जाते हैं, तो मैंने निकाल दिया है। अगर मेरा माल जाया होता है तो हम तलवार के जोर पर मोहम्मद साहब से ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने ही कहा है। कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि उनकी जकात जो माल थे वो सब गायब हो गए, चोरी हो गया। अब वो तलवार निकाले और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और कहा, आपने कहा था कि जकात निकालने के बाद माल की हिफाजत होती है, मेरा माल तो जाया हो गया। इतने में एक मुनादी ने पुकारा कि मुबारक हो, जिस ऊंट पे तुम्हारा माल था उस ऊंट के पांव में थोड़ा सा दर्द हो गया था, वो माल पीछे रह गया था और आगे जो ऊंट निकल गया था उनके माल चोरी हुए, तुम्हारा माल बच गया। जब ये जुमला उन्होंने सुना तो तलवार रखकर वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गए। तो ज़कात की जो काजू माल है वो मैल है, उसे निकालना चाहिए। मसलन मैं बहुत तेजी से एक बात बताता हूँ, न्यूजीलैंड के मातहत जैसे आपकी उंगली में थोड़ा सा जख्म हो जाए, ये पूरी उंगली आपकी है और पूरा जिस्म भी आपका है, डॉक्टर कहे कि 2.5 कतरा आप इसे खून निकाल दीजिए, खून जम गया है वरना थोड़ा बढ़ जाएगा, आप कहोगे उंगली मेरी है मुझे निकालना नहीं है। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के पास जाइए, कहेगा पूरी उंगली खराब हो गई, आप कहोगे मुझे उंगली नहीं निकालनी है। फिर कुछ दिनों के बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा पूरा हाथ खराब हो गया है। तो यानी 2.5 कतरा अगर आप खून निकाल देते, यानी 1,00,000 में 2,500 निकाल देते तो सारा माल आपका बच जाता। आप 2.5 कतरा खून नहीं निकाला तो पूरे जिस्म में आपकी बीमारी फैल गई, पूरा जिस्म आपका खत्म हो गया। वैसे ही जब मैले जो जकात की रकम के जो मैल होते हैं वो जकात हम नहीं निकालते हैं तो वो जकात हमारे सारे मालों को खा जाता है। हमें चाहिए कि जिसको अल्लाह ने दौलत बख्शी है वो जकात निकाले, और जब उस काबिल नहीं है तो जकात खाए। इस पर इस्लाम की तरफ से कोई दबाव नहीं कि आप निकालो, अल्लाह ने अता किया है तो आप निकालिए। चूंकि आज मौलाना साहब आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा, तो अलविदा जुमा का अहमियत बताएं आप सब लोगों को। कि मैं बिल्कुल सलेस मतलब आसानी से मैं आपको बताता हूँ अलविदा जुमा। सबसे पहले रमजान शरीफ बरकत वाला महीना है और इस बरकत वाले महीने में रमजान शरीफ हो, रमजान शरीफ में जुमा हो तो उसकी फजीलत और बढ़ जाती है। रमजान शरीफ में जितने जुमे आते हैं या रमजान से पहले भी जो जुमे आते हैं वो सब वाजिब है, सब सवाब का काम है, लेकिन रमजान शरीफ का जो जुमा होता है वो अहमियत वाला जुमा होता है और उसमें अलविदा जुमा। मसलन
कोई अपने बच्चे की शादी करता है तो लोग कहता है कि मेरे घर में शादी है, आप दावत में आइए। मगर कोई आखिरी शादी करता है तो उसके लिए वो अलविदा शादी होती है। तो कोशिश करता है कि रिश्तेदार के छोटे बड़े दूर दराज के भी रिश्तेदार लोग शरीक करते हैं कि ये आखिरी शादी है उनकी। वैसे ही अलविदा जुम्मा है, मसलन अलविदा जुम्मा जो अभी 2024 का है वो 2025 में भी आएगा, 2026 में आएगा, जब तक कयामत नहीं आएगी अलविदा जुम्मा आएगा। मगर मेरी और आपकी गारंटी नहीं है कि अलविदा जुम्मा हम जो 24 में मनाए 25 में मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। तो मेरी जिंदगी अलविदा है और हम जो आज अलविदा जुम्मा पढ़े हैं ये अलविदा जुम्मा फिर आएगा, मगर हम इस अलविदा जुम्मा में रहेंगे कि नहीं ये हमें खबर नहीं। इसलिए जिंदगी के हर लम्हात में इंसान ऐसा काम करे कि उसकी बात जिंदगी की आखिरी बात जैसी हो, उनका सलाम, उनका कलाम, उनकी मुलाकात ऐसी हो कि मेरी जिंदगी की आखिरी मुलाकात, आखिरी सलाम है, और ऐसे ही एक दूसरे से मिले ताकि किसी के दिल में खास कर रमजान शरीफ में तकलीफ ना पहुंचे। अलविदा जुम्मा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये खास है, और हमारे सहाबा इकराम को तलकीन फरमाई कि आप अच्छे से गुस्ल करके निकलते हो अलविदा जुम्मा के लिए, तो आप जो कपड़े पहनते हो वो कपड़े भी आपके लिए दुआएं करते हैं। तो रमजान में सबे कदर भी आता है, तो सबे कदर आप कुरान की शक्ल में बताएं क्या है। कुरान पाक की आयत करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लअिल फज्र। तीसवीं पारे की आयत करीमा है, और सूरह क़द्र के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है कि ये वो रात है जो हजार रातों से बेहतर है। इस तरह लैलतुल क़द्र, मा लैलतुल क़द्र, कद्र की ये तीन जगह पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, और ये हजार रातों से बेहतर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों के लिए ये बड़ा तोहफा रखा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम नहीं जानते कि ये कितना मोतबर और कितना बेहतर महीना है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर। मिसाल के तौर पर यूं समझिए कि जब एक आदमी कुछ काम करता है तो उसका मालिक कहता है कि ये काम अगर तुम पूरा करते हो तो आपके लिए ओवर टाइम कुछ देंगे, दो घंटे में आपको उतना दे देंगे जितना आपने 12 घंटे में किया है। या तो एक बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा ये इम्तिहान है तुम्हारा 9th का या 10th का, अगर उसको पास कर लेते हो तो आपके लिए मोटरसाइकिल है या साइकिल है या एक मोबाइल है गिफ्ट। तो ये समझिए गॉड गिफ्ट यानी अल्लाह की तरफ से इनाम है सबे बरा, ये सबे कदर। और वैसे ही ईद भी है कि हम 30 रोजे रखते हैं भूखे प्यासे, तो अल्लाह ने हमारे लिए कदर की रात रखी कि हम इबादत करते हैं तो हजार रात से बेहतर इबादत पाते हैं। हम ईद पढ़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से ये इनाम है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, और ये इनाम सबों तक पहुँचना चाहिए। और ये बरकत का महीना है, आप खुद अंदाजा लगाइए ये कितना बरकत का महीना है। आप एक फल वाले से पूछिए ये बरकत का महीना है कि नहीं, तो कहेगा भाई साहब मैं पूरा साल जितना नहीं बेचता हूँ मैं रमजान में बेच लेता हूँ। एक कपड़ा वाले भाई से पूछिए कि आप बेचते हो तो कितना बेचते हो, तो कहेगा भाई मैं पूरा साल में हफ्ते में 2 ग्राहक आता है मेरा, मगर रमजान शरीफ का ऐसा महीना है कि 1 दिन में 100 ग्राहक आता है। सब कहेगा कि आज मेरी दुकान में हजारों रुपए 10,000 लाखों की कमाई हुई। जब दुनिया में अल्लाह ने रमजान की वो बरकत रखी है तो आखिरत में रमजान की बरकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड की जो खबर है पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे, और मैं दुआ करता हूं सारे मीडिया भाई के लिए जो अच्छा काम करते हैं। मीडिया हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी पहचान है, और खुसूस इंडिया की ये शान है। हमें चाहिए कि हम वो बात दिखाएं जो सबके लिए बेहतर हो, सबके लिए अच्छा हो। आपस में लड़ मरोगे तो आखिर बचेगा कौन, होंगे ना तुम तो किसको भाई कहेंगे हम, होंगे ना हम तो तुझको भाई कहेगा कौन। खुदा हाफिज़। तो रमजान माह रमजान के पाक महीने में मेरे साथ थे प्यारी मौलाना मुरसलीन साहब, जो हम लोगों को बताएं रमजान क्या है, रमजान की अहमियत क्या है, जकात क्या है, फितरा क्या है। सहयोगी साहिब के साथ मोहम्मद चांद, न्यूज़ लाइन, गिरिडीह।